अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलाम मुस्तफ़ा विद माई यूट्यूब चैनल ऑल इन वन मिंचनाबाद। तो दोस्तों, आज का हमारा टूर था हज़रत बाबा शान पीर का दरबार, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आपको दरबार का बैरूनी मंजर हम दिखा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये यहाँ पे, आप ये नोट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दरबार है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जी इनका कबूतरों वाला आता, यहाँ पे कबूतर जो है वो बेशुमार तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो हम ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कबूतर जो है यहाँ पे दाने वगैरह या अपनी खुराक जो है वो खाए जा रहे हैं। ये रूम के ऊपर भी कुछ कबूतर जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। हम लोग यहाँ पे आके हमारी रूह को सुकून मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत दरबार है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कबूतर जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दरबार का व्यू, फ्रंट व्यू है जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने भी थोड़ा सा अपना जो है वो क्लिप जो है वीडियो के अंदर शामिल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टूर था आज का, व्लॉग आप कह सकते हैं आज का हमारा। बहुत ही जो है सुरूर मिला यहाँ पे आके। दरबार आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू है जी। यहाँ पे दो कब्र मुबारक मौजूद हैं, एक तो हज़रत बाबा शाह पीर की कब्र यहाँ पे है और दूसरा जो है हज़रत बाबा रोशन शाह उनकी जो है वो कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। हज़रत बाबा शाह पीर की कब्र मुबारक जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड मौजूद है, और हज़रत बाबा रोशन शाह की कब्र जो है वो राइट साइड पर मौजूद है जी। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये दरबार है। ये दरबार का अंदरूनी सीन आप देख रहे हैं, अंदरूनी मंजर दरबार का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है ये। जी तो ये आपने देखा दरबार का अंदरूनी मंजर बहुत ही खूबसूरत था। अब हम दरबार से बाहर जाने लगे। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग जो है बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।